लाल सागर में यमन के हूती ने दुनिया के माल ढुलाई कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अमेरिका और इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर मिसाइलें और रॉकेट्स दाग रहा है। अप्रैल 2024 की रात को हूती ने अमेरिका के झंडे वाले मस्क यॉर्कटाउन कंटेनर जहाज पर लाल सागर में हमला किया था। इसके अलावा उसने इसराइल से जुड़े जहाज MSC वेरा क्रूज पर भी हमला किया था और इसी दौरान हूती ने एडन की खाड़ी में अमेरिका के एक युद्धपोत पर भी 4 ड्रोन्स दागे थे। लेकिन अब एक बार फिर से हूती ने एडन की खाड़ी और कब्जे वाले फिलिस्तीन के दक्षिणी बंदरगाह इलियट पर इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है। हूती का कहना है कि उसने इजराइल के MSC डार्विन पर कई उपयुक्त मिसाइलें और ड्रोन दागे थे जो टारगेट पर सटीक लगे हैं। इसके अलावा हूती का ये भी कहना है कि उसने इलियट में कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। वहीं इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने इन हमलों की पुष्टि की है। سفينة إسرائيلية MSC داروين في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله وأطلقت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عددا من الصواريخ البالستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة। आपको बता दें कि हूती के प्रवक्ता ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि यमन सशस्त्र बल लाल सागर में कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह तक इसराइल के किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे। इसके अलावा इसराइली जहाजों को अरब सागर और हिंद महासागर में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हूती का कहना है कि वो कब्जे वाले फिलिस्तीन में इसराइली टारगेट्स के खिलाफ और ज्यादा हमले करना जारी रखेगा। हूती का ये भी कहना है कि इसराइल जब तक गाजा के भीतर युद्ध नहीं रोकता है तब तक ये हमले जारी रहेंगे। लेकिन हूती के इन हमलों से बचने के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियां अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से भेज रही थीं, जो न सिर्फ बेहद ही लंबा रूट है बल्कि खर्चीला भी है। और अब हूती का कहना है कि वो इस रूट पर भी इसराइल और पश्चिम के जहाजों को निशाना बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ हूती के इन हमलों को लेकर ब्रिटेन की नौसेना का भी बयान आ गया है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का कहना है कि उसके डिस्ट्रॉयर HMS डायमंड युद्धपोत ने हूती द्वारा दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया है। ब्रिटेन के HMS डायमंड ने इस मिसाइल को वाइपर मिसाइल सिस्टम से हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का कहना है कि हूती की ये मिसाइल एडन की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर हमला करने जा रही थी। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने अपने पोर्ट्समाउथ बेस्ड टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को लाल सागर और एडन की खाड़ी में तैनात किया है जिससे हूती के हमलों को रोका जा सके। इसको लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शैप्स का कहना है कि मैं HMS डायमंड के चालक दल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मासूमों की जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई और इंटरनेशनल शिपिंग को हूती के अवैध हमलों से बचा रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि ईरान समर्थित हूती को जवाब देने में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सबसे आगे खड़ा है।